गुरुग्राम के रहेजा मॉल में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया गया है। यहां स्पा सेंटर की अड़ में जिस्म फिरोशी का धंधा चल रहा था, पुलिस ने छापेमारी कर चार लड़कियों के साथ दो लड़कों को आपत्तिजनक अवस्था में गिरफ्तार किया है। सेंटर के अंदर से पुलिस ने कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। फिलहाल इस पूरे मामले में सदर थाना में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि सोहना रोड पर स्थित एक मॉल में मसाज पार्लर चल रहा है। वहां पुलिस ने फर्जी ग्राहक बनाकर एक पुलिस जवान को भेजा, जिसका इशारा मिलने पर पुलिस ने रेड किया। इसके बाद अंदर का नजारा देख पुलिस हैरान रह गई। अंदर लड़कियां और दो लड़के आपत्तिजनक हालत में थे, जिन्हें पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस ने स्पा सेंटर को भी सील करवा दिया है। पुलिस के मुताबिक ये लड़कियां यहां आने वाले ग्राहकों से 2 सेकंड 3000 तक वसूल करती थी। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।